अफरा तफरी दे विच करो निकले। आधा किलो प्याज ते 1 किलो टमाटर गलिया एक भी ना पाई ने ते मैं वापस काट देने। आलू गोभी लेती क्योंकि आलू गोभी चटपट विच पक जानी सी। आलू गोभी लेके फटाफट असी कटी। रोटियां भी पक गई ते सालन भी रेडी हो गया ते हुण असीं सारे खाण लगे वां। तुसीं सारे भी पकाओ ते खाओ, दुआवां विच याद रखो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल है तुहाडे सारयां दे? तबीयतां, सेहतां, नीयतां सब ठीक ठाक है? शाम दी रूटीन बस फिर रात दी हांडी पकान वास्ते असी अफरा तफरी दे विच करो निकले। आधा किलो प्याज ते 1 किलो टमाटर गलिया एक भी ना पाई नहीं ते मैं वापस काट देने। आलू गोभी लेती क्योंकि आलू गोभी चटपट विच पक जानी सी। आलू गोभी लेके फटाफट असी कटी। कट के असी धो के रखी। धो के असी उन्हूं एक दफा फिर दोबारा अच्छे पानी नाल धोता। फिर असी पतीली दे विच सारा कुछ इकट्ठा ही डाल लिता। आलू गोभी, प्याज, टमाटर, हरिया मिर्चा, धनिया, अदरक, लसन, लाल मिर्चा, नमक, जीरा ते खास तौर ते स्पैशली हल्दी, क्योंकि हल्दी दे नाल आलू गोभी दा बड़ा प्यारा कलर आंदा है। ते नाल ही असी घ्यो पा दिता। उत्ते असी ढक्कन रख दिता। आँच असी हल्की कर लिती क्योंकि दरमियानी आँच ते पकानी है, तेज़ आँच ते नहीं पकानी। ते तुहानू पानी पाउण दी कोई जरूरत नहीं। बस फिर लगदे हत्थ असी नाल ही दूसरे चुल्हे ते रोटियां पकाना शुरू हो गए। फटाफट रोटियां वेली गए ते पकाई गए। रोटियां भी पक गईयां ते सालन भी रेडी हो गया। फिर वो गर्म तवे दे उत्ते असी चुक के पतीली रख दी ताकि सब्जी थले ना लगे। सालन रेडी हो गया, रोटियां रेडी हो गईयां ने ते हुण असी सारे खाण लगे वां। तुसी सारे भी पकाओ ते खाओ, दुआवां विच याद रखो। इंशाल्लाह दोबारा किसी होर भी लोग दे नाल हाजिर होवांगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।